तो यहाँ पे कौन विनर रहेगा? Redmi Note 9 Pro, ऑफ कोर्स Redmi Note 9 Pro यहाँ पे विनर रहेगा, जो कि इंडियन स्टेबल के साथ आता है। सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार, इससे पहले मैंने Redmi Note 8 Pro का iPhone 7 के साथ एक कंपैरिजन किया था। उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी यार कि यहाँ पे मैं MIUI 12.5 की कंपैरिजन करूँ MIUI 12 के साथ, जो कि दोनों ही Android 11 वर्जन पे अपडेट है। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास है एक Redmi Note 8 Pro जो कि यार आपको पहले लॉन्च हुआ था, और दूसरा है Redmi Note 9 Pro जिसको अपग्रेड होना था Redmi Note 8 Pro से। तो सच्ची में अपग्रेड है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे आप देखो, दोनों में ही एंड्रॉयड 11 वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है, दोनों में ही सिमिलर एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिलती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में MIUI 12.5 बीटा अपडेट देखने के लिए मिलती है, और वहीं पे Redmi Note 9 Pro में MIUI 12 इंडियन स्टेबल अपडेट देखने को मिलती है। देखते हैं कि कितना यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, एक चाइनीज स्टेबल और एक इंडियन स्टेबल में। यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, तो आज वो आई थिंक थोड़ा सा सॉल्व होगा। लेकिन चलो देखते हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप जरूर से इसको लाइक कर देना, और शेयर किए बिना यार बिल्कुल मत जाना। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक शेयर करते हो, और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है जब आप सब्सक्राइब वाले बटन के दबा के घंटी के आइकन को भी दबा देते हो। तो चलो लेट्स गो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिबूट टेस्ट, कि यहाँ पे अब रिबूटिंग के मामले में कौन आ गया है। वैसे नया रिबूट एनिमेशन आप देख सकते हो, जो कि MIUI 12.5 पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो, सिंपली बस आपको अब ड्रॉप करके छोड़ देना है, ये टैप वाला ऑप्शन नहीं है। तो चलो लेट्स गो, छोड़ देते हैं दोनों को और देखते हैं कि कौन यहाँ पे पहले रिबूट लेता है। एंड Redmi Note 8 Pro आ भी गया है यहाँ पे। अभी Redmi Note 9 Pro सिर्फ Redmi के लोगों पे ही अटका है, तो इसको भी बूट अप हो जाने देते हैं। तब तक मैं यहाँ पे यार ये जो नया वाला कवर है ना, इसको निकाल देता हूँ ताकि दोनों ही इवनली हो जाएं और कोई दिक्कत ना हो। ये भी एक अच्छी चीज़ है, दोनों में ही आपको ये एक नया वाला कवर देखने को मिलता है। दोनों का आपको बाई अगर करना है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैमरा हाइड हो जाता है दोनों का इससे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलो अब दोनों ही रीबूट हो गए हैं। और अगर आपको Redmi Note 9 Pro का टेम्पर्ड देख के ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन यार ये मेरी गलती नहीं है, ये मी वालों ने ऑफिशियल भेजा है Redmi Note 9 Pro का। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एंटूटू स्कोर कितना आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस मामले में देखोगे हर बार की तरह MediaTek आगे है 2,63,000 समथिंग, और यहाँ पे Snapdragon 2,46,000 मिलता है। बाकी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है, जबकि Redmi Note 8 Pro में पहले डिफरेंस ज्यादा था। बाकी देख लेते हैं Geekbench, और यहाँ पे आप देख सकते हो Geekbench में रियल रिजल्ट एक तरीके से देखने को मिलता है Snapdragon का, जहाँ के आपको 553 सिंगल कोर में, 506 सिंगल कोर में Redmi Note 8 Pro में, और मल्टी कोर में 1646 और वहीं 1657 देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी अब आओ देखते हैं ऐप ओपनिंग टेस्ट करके कौन इसमें कितना आगे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड टेस्ट, देखते हैं कौन आगे रहता है। तो लेट्स गो। और लॉन्च होने में पहले आगे यहाँ पे आया Redmi Note 9 Pro, अब देखते हैं स्पीड में कौन आगे रहता है। दोनों में सिमिलर वाईफाई से मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। ओहो, और यहाँ पे Redmi Note 8 Pro ने लीड ली हुई है। स्पीड के मामले में लीड Redmi Note 8 Pro की आती है, लेकिन दोनों ही बराबर आ गए हैं अगर आप देखो तो यहाँ पे। बाकी अपलोड में भी लीड ली थी, लेकिन आई गेस ये भी कम हो जाएगा यहाँ पे। नहीं यार, नहीं कम हो रहा है यहाँ पे। Redmi Note 8 Pro स्पीड छोड़ ही नहीं रहा है। एंड इस मामले में यार देखो तो वो क्लियर विनर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कौन क्लियर विनर रहता है। बाकी ऐप ओपनिंग में तो Redmi Note 9 Pro ने आगे निकाला। देखते हैं DRM इन्फो में कौन पहले जाता है। 1, 2, 3 गो। इस मामले में Redmi Note 8 Pro आगे देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं जियो सावन में कौन आगे जाता है। सो लेट्स गो, 1, 2, 3 गो। यहाँ पर Redmi Note 8 Pro ने लीड ली है, थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रोम, दोनों के अंदर मैंने आईफोन की वेबसाइट को ओपन करके रखा था। सो लेट्स गो, 1, 2, 3 गो। यहाँ पे लोड आई गेस थोड़ा सा पहले करा है Redmi Note 9 Pro ने। दोनों में ही इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे दोनों ही साथ साथ यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। बाकी अब चलते हैं प्ले स्टोर में, दोनों ही ऑफकोर्स साथ साथ लगे हैं। दोनों में रियल क्रिकेट एक बार ना ओपन करके छोड़ देते हैं, जब रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। बाकी देखते हैं Amazon, Redmi Note 8 Pro ने थोड़ा सा पहले लॉन्च किया है। देखते हैं Flipkart यहां पे भी Redmi Note 8 Pro ने पहले लॉन्च किया है। देखते हैं Instagram, Redmi Note 8 Pro ने पहले लॉन्च किया है लोडिंग के साथ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं Twitter, अगेन Redmi Note 8 Pro पहले यहां पे आया है
और लोड भी यहाँ पर पहले शो करने का यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में देखने के लिए मिला है। देखते हैं टेलीग्राम, Redmi Note 8 Pro ऑफ कोर्स पहले, देखते हैं प्राइम वीडियो, Redmi Note 8 Pro पहले तुरंत लॉन्च हो गया, यहाँ पे ऐड वगैरह शो करने लगा है लेकिन Redmi Note 8 Pro तुरंत लॉन्च हो गया। देखते हैं Hotstar, तो ये भी Redmi Note 8 Pro फिन कर रहा है राउंड। एंड देखते हैं YouTube, ऑफ कोर्स Redmi Note 8 Pro पहले फिर से। देखते हैं अब गेमिंग में Temple Run, और दोनों में ही गेम बूस्टर मैंने ऑफ करके रखा है लेकिन यहां पर भी Redmi Note 8 Pro लीड लेते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर ये आप देख सकते हो। बाकी दोनों में ही स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है, प्ले करके इसको हम बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं। अब यहां पे देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा हैवी गेम कौन ओपन करता है, सो लेट्स गो 1 2 3 गो। लोगो तो Redmi Note 8 Pro में पहले आया है, अब देखो दोनों में ही गेम बूस्टर ऑफ है और देखते हैं लॉग इन स्क्रीन कौन पहले लेके आ पाएगा यहां पर। थोड़ा सा स्लाइटली फास्टर Redmi Note 8 Pro, बाकी में अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि Redmi Note 9 Pro थोड़े से यहाँ पे पीछे हो गया है। अब इन द एंड यहाँ पे हम देखेंगे GPU पे थोड़ा सा जोर डाल के, तो दोनों में ही एक ही जो वीडियो है उनको रेंडर करके एक ही साइज पे हम देखेंगे कौन पहले यहाँ पे कर पाता है। इस मामले में जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो Redmi Note 8 Pro ऑफकोर्स हार गया था, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है कौन हारता है। सो दोनों में ही आप देख सकते हो सेटिंग इक्वल मैंने सेट कर दी है, दोनों में 236 MB की साइज मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखो Redmi Note 9 Pro आप क्वाज एट जी 144p में भी आप यहाँ पे 2K यानी में एडिट कर सकते हो, तो ये विनर तो Redmi Note 9 Pro हो गया। लेकिन चलो आओ इसमें एक्सपोर्ट में देख लेते हैं कौन पहले कर पाता है, व्हाट डू यू थिंक कौन पहले कर पाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। सो लेट्स गो 1 2 3 गो। एंड यहाँ पे विनर आप देख सकते हो Redmi Note 9 Pro हो गया है, थोड़े से ही मार्जिन से पीछे यहाँ पे रहा Redmi Note 8 Pro लेकिन ज़्यादा नहीं पीछे रहा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि Redmi Note 8 Pro यहाँ पे 6GB रैम के साथ आता है जबकि Redmi Note 9 Pro 4GB रैम के साथ आता है। देखो अगर क्लियर मेमोरी आपको दिखा दूँ कितनी बाकी है, तो आउट ऑफ 4GB 1.5 बचती है, आउट ऑफ 6 3.7 यहाँ पे बचती है। अब आओ चलो देखते हैं कौन सबसे पहले, देखते हैं प्ले स्टोर में। सो दोनों में ही यहाँ पे सिमिलर चीज़ ओपन है, क्रोम देख लेते हैं, तो दोनों ही रीलोड यहां पे ले रहे हैं सिमिलर रिजल्ट। देखते हैं Amazon, अगेन दोनों ही रीलोड यहां पे ले रहे हैं। लेट्स सी Flipkart, अगेन दोनों रीलोड यहां पे ले रहे हैं। देखते हैं Instagram, दोनों ही रीलोड यहां पे ले रहे हैं। देखते हैं Twitter, तो Twitter दोनों में ही ओपन रहा, ये चीज एक काफी इंटरेस्टिंग है। Telegram दोनों ही अपडेटिंग कर रहे हैं। Prime Video, प्राइम वीडियो Redmi Note 8 Pro में ओपन है जबकि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro ने वेलकम बैक किया है। देखते हैं Hotstar, तो दोनों ही रीलोड पूरी तरीके से लिए हैं। देख लेते हैं YouTube, अगेन दोनों रीलोड ले रहे हैं। देखते हैं Temple Run, दोनों रीलोड ले रहे हैं। देखते हैं Call of Duty, अगेन दोनों ही रीलोड ले रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे देख लेते हैं DRM Info SC, दोनों ही रीलोड लिया है। ओके जियो सावन, लास्ट बस नॉट लीस्ट दोनों में ही रीलोड लिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ से बस विनर है यहाँ पे जो कि Redmi Note 8 Pro है मेमोरी मैनेजमेंट में। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो 4GB 6GB में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला आपको, तो यहाँ पे कौन विनर रहेगा Redmi Note 9 Pro? ऑफकोर्स Redmi Note 9 Pro यहाँ पे विनर रहेगा जो कि इंडियन स्टेबल के साथ आता है, और यहाँ पे Redmi Note 8 Pro हार गया। ओह माय गॉड, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन चलो आओ यहाँ पे नॉर्मल जो एप्लीकेशन है दोनों में ओपन करके देख लेते हैं, जैसे फोन दोनों साथ साथ आए, मैसेजर थोड़ा सा आगे Redmi Note 8 Pro। देखते हैं कैमरा थोड़ा सा आगे Redmi Note 8 Pro, इसमें कैमरा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है MIUI 12.5 वर्सेस MIUI 12 इंडियन स्टेबल। सो व्हाट डू यू थिंक कौन जीतता है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो जरूर से सब्सक्राइब करो और टॉपिक के बारे में बताओ और किस किस चीज के ऊपर आपको वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूं वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।